पिछले 10 सालों में अगर काशी बदली है तो उसका सबसे ज़्यादा असर बाबा विश्वनाथ मंदिर आने पर उसका असर हमें देखने को मिलता है। कभी तंग गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुआ करते थे और उसके लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में लगना पड़ता था, नंगे पैर आना पड़ता था, धूप में गर्मी बरसात में उनको तमाम दिक्कतें होती थी, तब कहीं जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन होते थे। लेकिन अब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बन जाने के बाद न सिर्फ बाबा के दर्शन सुलभ हो गए हैं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर की दिव्यता और भव्यता भी कई गुना बढ़ गई है। अब श्रद्धालुओं को सकरी गलियों से होके नहीं आना पड़ता है, न उन्हें धूप झेलनी पड़ती है, न गर्मी झेलनी पड़ती है, बल्कि अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालु जो है बड़े आराम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए कतारों में चले आते हैं। आप लोग दर्शन के लिए आए, कोई कष्ट हुआ रास्ते में? नहीं नहीं, कष्ट नहीं हुआ। गुजरात से आए हम। अच्छा, गुजरात से आए आप लोग, कैसा अनुभव रहा? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आप बताइए। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। पहले कभी आई हैं आप? नहीं नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, सूरत से आए हैं। अच्छा, आप पहली बार आ रहे हैं? सूरत से। गुजरात से आए हैं, उनका कहना है कि ये पहली बार आए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है काशी विश्वनाथ धाम में, तो उसको लेके इन लोगों को कोई रास्ते में कष्ट नहीं हुआ। और चूंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो टेम्परेचर 42 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऐसे में जो आप ऊपर देख सकते हैं ये शेड बनाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पे अगर इंतज़ार करते हैं दर्शन करने का, पूजा करने का, तो उनको धूप न झेलनी पड़े। और इसके साथ साथ जो पत्थर भी लगाए गए हैं उन पत्थरों के ऊपर कारपेट बिछाया गया है ताकि श्रद्धालु नंगे पैर अंदर आ रहे हैं तो उनके पैर गर्मी से, धूप से और इस पत्थर की तपिश से न जले। तो ऐसे में पिछले 10 सालों में काशी अगर बदली है तो उसका सबसे बड़ा बदलाव हमें यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर आने पे नज़र आता है। और उसकी वानगी, उसकी गवाही यहाँ के जो तमाम श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे दर्शन के लिए वो बताते हैं। क्योंकि कभी यहाँ पर सकरी गलियाँ थी, छोटे छोटे मंदिर थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ बदल गया है। कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन बहुत ही सुलभ हो गया है। बाबा का मंदिर जो है वो लोग दूर से भी उसके दर्शन कर सकते हैं और व्यवस्था ऐसी की गई है कि जो एक बार मंदिर में आए तो वो बाबा के ऊपर, बाबा विश्वनाथ पर जल चढ़ाकर उनके दर्शन करने के बाद ही वापस जाए। आनंद प्रकाश पांडे, TV9।